गढ़ाकोटा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गणनायक में महिला मंडल द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर श्रीमत रेखा भार्गव, विशिष्ट अतिथि शिल्पी अभिषेक भार्गव, कंचन भरत चौरसिया रही। इस कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाओं का मुख्य अतिथि द्वारा सम्मान किया गया। नगर व ग्रामीण अंचलों से आई महिलाओं को उपहार सामग्री वितरित की गई। सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर महिला दिवस की शुभकामनाएं व सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद शिल्पी अभिषेक भार्गव ने कहा कि समस्त मातृ शक्ति सशक्त रहने के लिए अपने अधिकारों को पहचानने की आवश्यकता है और संदेश दिया है कि हमें अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आज महिलाओं से सारी सृष्टि चल पा रही है। महिलाओं के बिना सारा संसार अधूरा है। वह कहा कि हम महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। कंचन भरत चौरसिया ने कहा कि त्याग, समर्पण, बलिदान व संघर्ष हम महिलाओं का गहना है, हमें कभी इनसे हार नहीं मानना चाहिए। कार्यक्रम में रजनी गुप्ता, भावना कुरी ने आभार माना। कार्यक्रम का मंच संचालन विक्की जैन ने किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रही। सागर से एस एन पटेल की रिपोर्ट। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं और उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस पर्व पर मैं भारत की, विश्व की सभी महिलाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उनका ये त्याग बलिदान बचपन से जो शुरू होता है वो उनके बुढ़ापे तक लगातार चलता रहता है। इसलिए मैं सभी महिलाओं से यही बोलना चाहूँगी कि वो कभी भी अपने इस जीवन में हार ना माने, हमेशा आगे बढ़ते रहें। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय हमारी तरफ से यहाँ आने के लिए धन्यवाद। और आपने अपना अनमोल समय हमें प्राप्त किया और जो महिला दिवस है आप लोगों के द्वारा क्या आयोजन किया गया? आज हम सभी महिलाओं ने मिलकर यहाँ पर महिलाओं का सम्मान किया है और साथ ही उनको ये संदेश भी दिया है कि अपने अधिकारों को पहचानें। और जब आप अपने अधिकारों को पहचानेंगी शायद तभी शायद भारत में या पूरे विश्व में नारी सही रूप में सशक्त हो पाएगी। महिला दिवस के अवसर पर आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरे भारत देश की महिलाओं को और हमारे ये रहली क्षेत्र की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि किसी भी तरह से अपने आप को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि नारी के बिना शायद ये दुनिया कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि वह कुछ काम पुरुष कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। पुरुष के बराबरी और जब बल्कि उससे ज़्यादा कई गुना अच्छे से ये काम नारियां भी कर सकती हैं। तो अपना अधिकार समझें और सशक्त बनें। आज इस मंच को सुशोभित करती हुई हमारी आदरणीय सम्मानीय माता जी श्रीमती रेखा भार्गव जी और इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता रजनी दीदी और भावना दीदी और यहाँ समस्त उपस्थित महिलाएं, इन सबको मैं शक्ति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज 8 मार्च को पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया जाता है। आज महिलाओं का दिन है, पर थोड़ी सी अभिलाषी और आशावादी दोनों हूँ, क्योंकि ये दिन कहीं यहीं तक सीमित ना रह जाए, क्योंकि हर दिन महिलाओं का दिन है, हर दिन एक शक्ति पर्व है और हर दिन ही उत्सव का दिन है। वैसे तो महिला सशक्तिकरण, लेकिन फिर भी हमने अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी है अभी तक। और हम सभी महिलाएं से ये भी कहते हैं कि कभी भी कोई परिस्थिति आए लेकिन हार नहीं मानना चाहिए। मेरी बहनों का आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही हमारी पूजनीय माता जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ।